नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लगातार बिहार में जो सियासी बयानबाजियां हो रही हैं, उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में एनडीए गठबंधन पे क्या आंच आ सकती है या नहीं, ये तो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वह अपने बयान से मुकर नहीं रहे हैं। ज़रा सुनिए बिहार सरकार के मंत्री राणा रणधीर क्या कुछ कह रहे हैं। हमारा गठबंधन यहाँ मजबूत है, हम सरकार में, और इसके आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, सुशील जी उप मुख्यमंत्री। क्या पार्टी आगे निर्णय ले सकती है? पार्टी का निर्णय ही होगा। अभी तो इतना ही है कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के नेता हैं बिहार में नीतीश कुमार जी। 20 तक ऐसी रणनीतियाँ बनती रहेंगी, साथ रहेंगे? मैं अभी का बता सकता हूँ, अभी हमारे नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री, हमारा गठबंधन है, मजबूती से चल रहा है। आपने सुन लिया है, राणा रणधीर ने साफ साफ कहा है कि अभी फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, आगे क्या उन्हें नहीं पता है, आगे क्या शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा इस पर तो खैर आगे मंथन होगा ही। देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से बयानबाजियां निकल के आ रही हैं बीजेपी की ओर से कि अब जो सेकंड लाइन में गवर्नमेंट है यानी कि बीजेपी है, उसे अब सीएम पद देना चाहिए। बिहार की अगर हम बात करें, क्या जेडीयू को ये गवारा होगा? अब जब बीजेपी इस तरीके से अपनी दोस्ती जो है, अपनी यारी जो है, नहीं निभा रही है, तो आरजेडी तो पलटवार करेगी ही। जरा सुनिए राजद विधायक सुधा यादव क्या कुछ कह रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, सभी मीडिया के साथी लोग, कि जिस तरह झारखंड में जा कर के बयान दिए हैं और फिर बीजेपी के नेताओं का जो बयान आ रहा है, इससे साफ दिख रहा है कि जिस उद्देश्य के चलते माननीय मुख्यमंत्री जी का महागठबंधन को तोड़ करके और एनडीए के साथ गए थे, डबल इंजन की सरकार बनाए थे, वो कहीं ना कहीं इनकी उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है और उसके चलते काफ़ी बौखलाहट है। आप क्या बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं जैसे? नहीं, हम तो देख लीजिए, हम लोग अभी कहीं कोई, चूँकि ये सवाल का जवाब हमारे नेता देंगे और हम उसमें ये नहीं है, लेकिन जो सवाल आपने किया है वह कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी में अंतर्द्वंद की भाव है, वो चूँकि भाजपा के भी नेता और जेडीयू के भी नेता दोनों लोग बोल रहे हैं, ये अच्छा नहीं है प्रदेश के विकास के लिए और जिस उद्देश्य के लिए गए थे मुख्यमंत्री जी, वो अच्छा नहीं। आपने दोनों के बयानों को सुन लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि जब दोस्ती यारी बीजेपी ही नहीं निभा रही है तो आरजेडी का तो पलटवार करना लाजिम सी बात है। अब आगे देखते रहिए क्या क्या होता है, क्या क्या पलटवार निकल के आते हैं और क्या क्या सियासतें बिहार में होती है, ऊंट किस करवट बैठता है, ये अभी किसी को जानकारी नहीं है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।